पारिवारिक विधि मुस्लिम विधि के अंतर्गत आज हम देखेंगे मुस्लिम विधि के विभिन्न जो शाखाओं हैं उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले जो मुस्लिम विधि है वो विभक्त की जा सकती है आपकी सुन्नी और शिया में। तो इस्लाम धर्म के अनुयायियों के दो संप्रदाय हैं, शिया और सुन्नी। सुन्नी संप्रदाय में देखिए कि इस संप्रदाय में चार विचार पद्धति का विकास हुआ है और उनका नाम जो है विचारक के नाम पर ही पढ़े। तो सबसे पहले हम देखेंगे हनफी स्कूल, उसके बाद मालिकी स्कूल, उसके बाद साफाई, और हनबली स्कूल। तो देखिए, जो हनफी स्कूल है, इस संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वो थे अबू हनीफा। अबू हनीफा के सिद्धांत कुरान और अहादीस पर आधारित थे। उनके अनुसार कुरान अपने मौलिक रूप में अनंत है, यह खुदा के उपदेशों और शब्दों का संग्रह है और उसको खुदा से अलग नहीं किया जा सकता है। उनके अनुसार कुरान की विधि का पहला तथा मुख्य स्रोत है। दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत उनके अनुसार वे परंपराएं हैं जो विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न तरीकों से व्यक्त की गई हैं। परंपराओं को स्वीकार करने या अस्वीकार करने में सख्ती बरतते थे। अबू हनीफा पहले विधिवेत्ता थे जिन्होंने कयास को वरीयता प्रदान की और उसकी मदद से नए सिद्धांतों की खोज की। हनीफा इत्स हसान के सिद्धांत के लिए मशहूर हुए थे, जिसका अर्थ कानून के लिए वरीयता और कर्म के लिए तत्परता है। अब हम देखते हैं मालिकी स्कूल। तो यह स्कूल मदनी स्कूल के नाम से भी प्रचलित है। इसका प्रारंभिक और प्रमुख स्रोत केंद्र जो है वो मदीना है। इसके प्रवर्तक थे मलिक। इनके धर्म सिद्धांत हनीफा के सिद्धांतों से बिल्कुल विपरीत है। इनके सिद्धांतों का प्रथम स्रोत कुरान तथा उसके बाद हजरत मोहम्मद की परंपराएं हैं। ये हजरत मोहम्मद के आदेशों के अलावा इज्मा, तमूल व मदीना के रीति रिवाजों को विधि के स्रोत मानते थे। इन स्रोतों के असफल होने की परिस्थिति में वे पूर्व निर्धारित निर्णयों को अधिक मान्यता देते थे। संक्षेप में कहें तो मालिकी स्कूल जो है वो निम्न स्रोतों को मानता था, जैसे देखें पवित्र कुरान हो गया, हदीसे रसूल और असार अहले मदीना, तमूल अहले मदीना, कयास और इस्तिलाह, इसे मानते थे। अब देखते हैं हम सफाई स्कूल के बारे में। तो इस संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वो इमाम शफी। वो अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। इमाम शफी कुरान के बाद मोहम्मद साहब के सुन्ना पर अधिक बल देते थे। वे परंपराओं के समर्थक थे, वे अहादीस के सिद्धांत के घोर समर्थक थे। उनके अनुसार इज्मा का आधार या तो कुरान या हदीस या तार्किक अनुमान ही हो सकता है। इमाम शफी पहले विधिवेत्ता थे जिन्होंने कयास के लिए नियम निर्धारित किए, परंतु इस वर्ग के सिद्धांत स्त्रियों के लिए कम अनुकूल थे। यह संप्रदाय दक्षिणी भारत, श्रीलंका तथा अरब में प्रचलित है। अब देखें हनबली स्कूल के बारे में। तो यहां पे देखें, इस स्कूल के जो समर्थक थे वो थे इब्न हनबल। ये पारंपरिक ज्यादा और न्यायवेत्ता कम थे। ये सबसे पहले कुरान और उसके बाद अहादीस को अधिक महत्व देते थे। इनका अधिकतर झुकाव हदीस की तरफ ही रहा। कयास का प्रयोग सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर ही करना उचित समझते थे। विशेष जोर पैगंबर की परंपराओं पर दिया और साम्य के सिद्धांतों को बहुत कम स्थान दिया। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो सुन्नी संप्रदाय है उसमें जो स्कूल्स हैं हनाफी, मालिकी, साफाई और हनबली स्कूल्स। अब हम देखते हैं सिया संप्रदाय के अंतर्गत अथना अशरिया स्कूल, इस्लामिया स्कूल और जैदिया स्कूल के बारे में।
तो देखिए अथनासर्य स्कूल जो है वो इस स्कूल के जो समर्थक थे वो 12 इमाम थे। के अनुयायी हैं तथा खुद को उन्हीं के वंशज मानते हैं। इस स्कूल के अनुयायी दो विचार पद्धति रखते थे, पहला अरबी और दूसरा उसूली, सॉरी अकबरी और दूसरा उसूली। अकबरी सिया कट्टर परंपरावादी हैं और उसूली सिया कुरान को पूरा महत्व देते हैं। अब हम देखते हैं इस्लामिया स्कूल के बारे में। तो इस्लामिया स्कूल छठे इमाम जफर अस सादिक के दो पुत्र थे, एक तो इस्लाम इस्माइल और दूसरा मूसा उल काजिम। इस्लाम के समर्थक इस्लामिया कहलाते। अब हम देखते हैं जैदिया स्कूल के बारे में। तो जैदिया स्कूल जो है वो चौथे इमाम अली असगर के पुत्र जैद इसके मुख्य प्रवर्तक थे। इस शाखा के अनुयायी सिया और सुन्नी दोनों विचार पद्धतियों के सिद्धांतों को मानते थे। इस शाखा के अनुयायी अधिकांशतः दमन में हैं। अब हम देखते हैं एक मोतजिला संप्रदाय के बारे में। मोतजिला तो देखिए इस संप्रदाय का उदय जो है वो 9वीं शताब्दी में हुआ था। इसके संस्थापक हैं अताउल गजल अमीर अली के अनुसार इस संप्रदाय के लोग कभी स्वतंत्र संप्रदाय और कभी कभी उसूली विचार पद्धति के समान सिया संप्रदाय के प्रारंभिक काल की ही एक शाखा माने जाते हैं। इनका कोई संगठित समुदाय नहीं है, न ही विधि का कोई पृथक निकाय है। यह काल्पनिक दीन धर्म के सिद्धांत पर भिन्न होती हैं। इस विचार को मानने वाले समर्थक एक से अधिक पत्नियों के साथ विवाह को अवैध मानते हैं। न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना विवाह विच्छेद नहीं हो सकता। इस संप्रदाय के अनुयायी बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। तो देखिए इस प्रकार हमने देखा कि सिया और सुन्नी में, तो सुन्नी में हनबली हनाफी स्कूल, मालिकी सफाई और हनबली, और सिया में अथना असरिय स्कूल, इस्लामिया स्कूल, जैदिया स्कूल और ये मोतजिला संप्रदाय के बारे में। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए। अगर ऐसी ही वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नई वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकॉन को दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि ये दूसरे लोगों तक भी पहुँचे तो इसे शेयर कीजिए। अगर आप इसी टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।